नमस्कार, मैं हूं शशि। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक पर बवाल, छात्रों के लिए बीजेपी करेगी आंदोलन। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 पर बवाल मच गया है। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों को भी इसके सजा के प्रावधान पर आपत्ति है। परीक्षा में नकल और प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए सरकार के द्वारा लाए जा रहे बिल पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इस बिल के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। बता दें, मानसून सत्र के चौथे दिन झारखंड विधानसभा में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस तरह से इस बिल में प्रावधान किए गए हैं वह छात्रों के हित में नहीं है। थोड़ी सी चूक की वजह से यदि छात्रों को जेल जाना पड़ेगा, यह कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार ने यह बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल का विरोध करती है। वहीं झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 के अलग अलग कठोर दंड के प्रावधानों का जिक्र करते हुए सुदेश महतो ने भी कहा है कि जिस तरह का कानून परीक्षा में कदाचार रोकने के नाम पर हेमंत सोरेन की सरकार बनाना चाहती है, उससे साफ है कि वह जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। ईडी रिमांड पर विष्णु अग्रवाल। झारखंड बंगाल के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी की टीम 5 दिनों तक जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करेगी। बुधवार को ईडी की विशेष अदालत ने एजेंसी को विष्णु अग्रवाल से 5 दिन तक पूछताछ करने की इजाजत प्रदान की है। बता दें, बुधवार को विष्णु अग्रवाल की रिमांड के मामले में अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने 5 दिनों की रिमांड मुकर्रर कर दी है। हालांकि एजेंसी ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए 7 दिनों का वक्त मांगा था। अब गुरुवार की सुबह 11 बजे से अगले 5 दिनों तक लगातार विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेगी। जमीन घोटाले मामले में बीते सोमवार को निकुलेस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं मंगलवार को अग्रवाल को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी समेत कई विधेयक पास। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2023 को प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने सभा पटल पर रखा। इस पर आयसु विधायक लंबोदर महतो और माले विधायक विनोद सिंह ने प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया। कहा कि संशोधन के जरिए सरकार ने स्टाम्प शुल्क को 15 से बढ़ाकर 30 रुपये किया है। वहीं राज्य में 33,000 अधिवक्ता हैं। इससे अधिवक्ताओं के कल्याण मद में करीब 9 लाख जाएंगे। यह इतनी बड़ी राशि नहीं है जिसे राज्य सरकार अनुदान के रूप में न दे पाए। इस संशोधन से यहाँ की गरीब जनता की जेब पर प्रभाव पड़ेगा। विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि स्टाम्प शुल्क बढ़ाने के पक्ष में हूँ, लेकिन संशोधन ऐसे समय में लाया गया जब इसे और समृद्ध करने की जरूरत है। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि अधिवक्ता के एक्सीडेंट या बीमारी से निधन पर कितनी राशि आश्रितों को मिलेगी। सुखाड़ राहत की राशि नहीं मिलने पर इंडिया दलों की प्रदर्शन। पिछले वर्ष राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सुखाड़ की वजह से हुए नुकसान की वजह में झारखंड सरकार ने केंद्र से करीब 9682 करोड़ की मांग की थी। केंद्र की ओर से अब तक सुखाड़ राहत की राशि नहीं मिलने और राज्य आपदा मोचन निधि से 502 करोड़ खर्च करने की सलाह देने पर झारखंड इंडिया के घटक दलों के नेताओं में उबाल है। इसके विरोध में कई नेताओं ने प्रदर्शन भी किया है। इंडिया दलों के विधायकों और मंत्रियों का कहना है कि मंगलवार को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार केंद्र ने राज्य आपदा मोचन निधि के सिर्फ 502 करोड़ रुपये खर्च करने को कहा है। यह केंद्र की किसान विरोधी और झारखंड विरोधी रवैया को दर्शाता है, जिसका विरोध झारखंड इंडिया दल के तमाम विधायक और मंत्री कर रहे हैं। विधायक लोबिन ने मांगी जान की सुरक्षा। विधायक लोबिन हेमरम को अपनी जान खतरे में होने का डर सता रहा है। उन्होंने स्पीकर से सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही कहा है कि अगर उन्हें 15 दिन में सुरक्षा नहीं मिली तो केंद्र के पास जाएंगे। बता दें, झामो विधायक लोबिन हेमरम ने अपनी ही सरकार को कटघरे में फिर से खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी जान पर खतरा बताते हुए सुरक्षा देने की मांग की। कहा, उनकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। उन्होंने 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। दरअसल ध्यानाकर्षण के दौरान लोबिन हेमरम ने सदन से अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मैं जल जंगल की लड़ाई हमेशा से लड़ता रहा हूं। हमारे जिले में अवैध माइनिंग हो रही है, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसको लेकर मैंने डीजीपी और केंद्र को भी पत्र भेजा है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ है। मानसून सत्र का चौथा दिन बीजेपी ने जमकर किया प्रदर्शन। मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। झारखंड विधानसभा पोर्टिको में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर विधि व्यवस्था कायम करने में फेल होने और सुखाड़ को लेकर कोई तैयारी नहीं होने का आरोप लगाया।
वहीं विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों में अनंत ओझा, अर्पणा सेनगुप्ता, नीरा यादव सहित कई विधायक शामिल हुए। इन विधायकों ने सरकार पर सुखाड़ को लेकर तनिक भी चिंतित नहीं होने का आरोप लगाया। कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी सहायता देने के लिए तैयार है, मगर राज्य सरकार इसे लेने में कोताही बरत रही है। केंद्र सरकार का साफ कहना है कि जो भी पैसे दिए जाते हैं उसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए, मगर राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर गंभीर नहीं दिखती है। विश्व स्तनपान दिवस, जन्म के एक घंटे के भीतर माँ का दूध अमृत। धनबाद जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। केंद्रों पर धात्री माताओं को स्तनपान से होने वाले लाभ के बारे में बताया जा रहा। मुख्यालय के निर्देश पर जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सीबी प्रतापन ने बताया है कि नवजात बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे उत्तम आहार है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। सिविल सर्जन ने बताया है कि जन्म के एक घंटे के भीतर माँ के पीले गाढ़े दूध में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। यह दूध बच्चों में शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। जमशेदपुर में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसकी वजह से शहर में बाढ़ का खतरा ही मंडराने लगा है। बरसात के मौसम को देखते हुए जिलावासियों को बिजली के कारण जानमाल का नुकसान नहीं हो, इसके लिए उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री द्वारा अपील जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि बरसात के दिनों में तेज हवा के कारण किसी खेत में पोल गिर रहे हो या पेड़ की टहनी बिजली के तार को छू रहे हो तो तत्काल पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर मानगो घाट जिला विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को इसकी सूचना दे। बारिश के दौरान बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर व पोल आदि से दूर रहे। उक्त के संपर्क में आने से करंट स्नान के शरीर में प्रवाहित हो सकता है, क्योंकि बारिश में अर्थिंग मिलता है। बिजली लाइन या ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ नहीं करे। आरपीएफ कर्मियों को तनावग्रस्त न रहने की सलाह। महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा AK-47 से की गई गोलीबारी की घटना में ASI और 3 यात्रियों की मौत से रेलवे अधिकारियों को चिंतित कर दिया है। बोर्ड के आदेश पर देश के सभी रेल मुख्यालय के आरपीएफ अधिकारियों को सतर्क किया गया। बोर्ड ने तनावग्रस्त आरपीएफ कर्मियों को चिन्हित कर हथियार न देने का निर्देश दिया है। बता दें, दिल्ली से आरपीएफ डीजी द्वारा जारी आदेश के बाद पूर्व मध्य रेल के प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त SC पाठी के आदेश पर धनबाद रेल मंडल सहित सभी आरपीएफ पोस्ट को सतर्क कर दिया गया है। इसे लेकर कोडरमा जंक्शन पर आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी जवाहरलाल की अध्यक्षता सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें SI से लेकर सभी कांस्टेबल शामिल हुए। झारखंड के 5 जिलों में CCTV लगाना जरूरी। रांची रेंज के 5 जिले रांची, गुमला, खुट्टी, सिमडेगा और लोहरदगा में निजी लोगों द्वारा लगाए गए CCTV कैमरे की अब पुलिस मैपिंग करेगी। साथ ही जहां क्राइम कंट्रोल की दृष्टि से अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए CCTV कैमरे लगाने की आवश्यकता होगी, वहां पर CCTV लगाने के लिए पुलिस धारा 144 के तहत नोटिस देगी। पुलिस यह कार्रवाई संबंधित जिला के DC, SDO या नगर आयुक्त के माध्यम से करेगी। बता दें, रांची रेंज DIG अनूप बीरथरे ने रांची SSP के अलावा 4 अन्य जिलों के SP को पत्र लिखा है। DIG ने लिखा है कि सभी थाना क्षेत्र की जिन दुकानों, मकान, बैंक, मार्केट, अस्पताल या ATM सहित अन्य स्थानों में CCTV कैमरा लगा है, वहां की मैपिंग करना सुनिश्चित करें ताकि घटना होने पर अपराधियों की पहचान के लिए CCTV का उपयोग हो सके। धनबाद की महिला लाभुकों से धोखाधड़ी। 60,000 की गाय 5 लीटर दे रही दूध। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत महिला लाभुकों को 60,000 में मिली गाय प्रतिदिन 5-6 लीटर ही दूध दे रही है, जबकि योजना के मानक के तहत कीमत के अनुसार उसे 15 लीटर दूध देनी चाहिए। सरकार ने योजना के तहत लाभुकों को दी जाने वाली गाय का मूल्य निर्धारित करने के लिए फार्मूला तय किया है। इसके तहत गाय की कीमत प्रति 1 लीटर दूध के लिए 4,000 रुपये निर्धारित है, यानी अगर कोई गाय एक दिन में 10 लीटर दूध देती है तो इसकी कीमत 40,000 रुपये होगी। वहीं प्रतिदिन 15 लीटर दूध देने वाली गाय की कीमत 60,000 रुपये होगी। ऐसे में लाभुक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में भिड़े BJP झामुमो विधायक। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। बुधवार को सदन के भीतर बाघ मारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुल्लू महतो और झामुमो के सुदिव्य कुमार सोनू भिड़ गए। हालात ऐसे थे कि मारपीट की नौबत आ गई। सदन के भीतर दोनों ने एक दूसरे को ललकारा, बाहें चढ़ा ली। साथ ही विधायकों ने बीच बचाव भी किया।
संसदीय कार्य मंत्री सह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि सदन के भीतर माननीय जनप्रतिनिधियों का यह व्यवहार अस्वीकार्य है और निंदनीय भी है। धन्यवाद।